40 एम्पलीफायर वर्सेस 44-40 एम्पलीफायर। दिस इज द फ्यूचर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम इन दोनों एम्पलीफायर बोर्ड को कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कौन सा बोर्ड सबसे बेस्ट रहेगा। और यार व्हाट इज का आपको जो है डिफरेंस भी आपको बताऊंगा कि कौन से बोर्ड में वाट ज्यादा है जो कि कंपनी क्लेम करता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग नॉर्मल वाले बोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला एम्पलीफायर बोर्ड हम लोग काफी समय से यूज करते आ रहे हैं और इस एम्पलीफायर बोर्ड में दोस्तों काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं जिसे हम लोग फेस करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। जैसे हमिंग इशूज़ आ जाते हैं और जो हमारा हीट सिंक रहता है वो काफ़ी देर तक नहीं चल पाता है, आईसी जो हमारा जलने का खतरा रहता है। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं नए वाले बोर्ड में। तो इस वाले बोर्ड में हमें सबसे पहले तो दोस्तों इसका जो सर्किट बोर्ड डिज़ाइनिंग देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और इस बोर्ड में दोस्तों हीट सिंक जो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो हमारा इस वाले बोर्ड है तो इस बोर्ड में हमारा चार जो एक हीट सिंक लगाया गया है इस वाले बोर्ड के मुकाबले हमारा चार गुना हीट सिंक लग जाता है। और दोस्तों इस वाले बोर्ड में जो है हीटिंग इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही हल्का आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात कर लें तो जो हमारा नॉर्मल वाला बोर्ड है वो आपको 200 से 250 में मिल जाएगा और ये वाला जो एम्पलीफायर बोर्ड है न्यू वाला तो ये वाला आपको दोस्तों जो है अमेज़ॉन पर आपको 400 से 520 तक में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग कंपेरिजन की बात ही कर रहे हैं तो इसमें जो वाटेज दिया गया है हमारा जो ये 220 वाला बोर्ड है दोस्तों इसमें हमें जो दिया गया है वो 100 वाट दिया गया है और बाकी जो ये वाला बोर्ड है हमारा नया वाला इसमें हमें 1600 वाट लिखा गया है। पर दोस्तों आपको मैं अगर वाट के बारे में डिफरेंस बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए दोस्तों मतलब एक आईसी जितना कैपेसिटी है उसका उतना ही वाट देगा। जो हमारा 44-40 वाला बोर्ड है दोस्तों ये सिर्फ 20 ही वाट आउटपुट देता है और वो वाला भी दोस्तों जो 44-40 बोर्ड है ये भी 20 ही वाट आउटपुट देता है। डिफरेंस दोस्तों इसमें ये आ जाता है कि अब जो ये नॉर्मल वाला बोर्ड देखा है इसमें एक कैपेसिटर का यूज़ किया गया है और हम लोग इसमें देते हैं 12 वोल्ट 3 एम्पीयर या फिर 2 एम्पीयर का सप्लाई। और जो ये वाला बोर्ड है दोस्तों नया वाला इस वाले बोर्ड में दोस्तों हम लोग देते हैं देखने को मिलता है डबल कैपेसिटर और तो और दोस्तों कैपेसिटर भी अच्छे लगे मिल जाते हैं और एम्पीयर ज़्यादा पा जाता है। तो बेस जब आता है ना दोस्तों वाटेज नहीं डिपेंड करता है उतना, बेस जब दे देता है दोस्तों तो बेस में पावर सप्लाई का दिक्कत बढ़ जाता है। लेकिन इस बोर्ड में हम 5 एम्पीयर दे रहे हैं तो बेस एकदम क्लियर आएगा, इसीलिए दोस्तों कुछ लोगों को लगता है वाट बढ़ गया बट दोस्तों एम्पीयर ने एकदम मेंटेन कर लिया। तो हमिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमिंग का जो दोस्तों यह इसमें प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है इस बोर्ड में और काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है यार हमिंग से रिलेटेड। और दोस्तों ये वाला जो नया बोर्ड है इसमें तो कोई दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि इसमें ना तो वॉल्यूम ना तो बेस ना तो ट्रेबल ना तो बैलेंस का कनेक्शन आपको करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इस बोर्ड में दोस्तों पहले से ये हो करके आ जाएगा। बल्कि ये तो पीसीबी पे लगा भी है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा हम लोग का एक प्रॉफिट मिलता है कि इससे हमारा जो हमारा हमिंग होगा वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर पावर सप्लाई के बारे में बात किया जाए तो पावर सप्लाई आपको 12 वोल्ट 5 एम्पीयर देना होगा या 12 वोल्ट 3 एम्पीयर भी दे सकते हैं, कैपेसिटर मेंटेन करेगा। बाकी इसमें दोस्तों जो रेड कलर के 2 PF लगाए गए हैं इसमें दोस्तों जो है क्वालिटी थोड़ा अच्छी हो जाती है इनकी और बेस में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट कर। मेक श्योर गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने